नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। डोईवाला में मौन धारण कर धरने पर बैठे ईसाई समाज के लोग, अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन। ईसाई समाज के लोगों ने आज डोईवाला तहसील परिसर में मौन धरने के साथ अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। धरने के दौरान पादरी टॉमस मैसी ने कहा कि कुछ प्रदेशों में धर्म परिवर्तन कानून लागू है और इस कानून के संविधान कठोर है, जिसमें उनके कुछ लोगों पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ईसाई समाज के लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिए जाएं, ताकि समाज में सामाजिक संतुलन बना रह सके। हमारी मांग ये है सरकार से कि 3/5 को पूरी तरह निरस्त किया जाए और हमारे जो सेवकों के ऊपर धाराएं लगी हुई हैं अनावश्यक रूप से 504 और 509 तक लगा देते हैं पुलिस, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनसे मुकदमे वापस लिए जाएं और 3/5 को वापस लिया जाए। हम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग को दे रहे हैं, अपने SDM डोईवाला के द्वारा, और हम मांग कर रहे हैं कि सरकार न्याय कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत, आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के तिलवाड़ा में जाकर भारी बारिश के कारण जान गंवाने वाले परिवारों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भू सर्वेक्षण किया जाए, जिसमें SDM को उसका नोडल अधिकारी बनाया जाए। सर, आपदा प्रबंधन विभाग के बीच से कोई बात हो रही है सर? आपदा प्रबंधन विभाग बिल्कुल इस समय तदर्थ, मतलब देख रहे हैं सर, आपदा प्रबंधन विभाग देखने को जो भी काम कर रहा है अभी, हम जितना हमारा नया ढांचा क्रॉस कर दिया है और निकट भविष्य में हम लोगों ने, नहीं क्या आपको भरोसा है इस प्रशासनिक अमले के भरोसे आप अपनी नया पार लगा पाएंगे? आप किसी से दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं, किसका जवाब? नहीं, किसी का भी जवाब दे दीजिए आप। मैं खुद आया हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरे साथ आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन मंत्री जी आए हैं, लगातार सभी जिलों में जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग स्वयं चीज़ों को आकलन कर रहे हैं और उसके आधार पर निर्णय कर रहे हैं। उसका नतीजा भी निकला कि हमारे यहाँ पर 1,00,000 लोग आए हुए हैं, 4 धाम यात्रा पर थे, पूरे उत्तराखंड की यात्रा पर, उस 1,00,000 लोगों में से एक भी कोई भी आता नहीं, और उसी का जो आज बहुत बड़ी और भी इतनी बड़ी भी हमको जो है नुकसान हो सकता था, अलर्ट होने के कारण नुकसान हमारा कम हो गया, आगे हम इसको और अच्छा करेंगे। अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोग जो आपदा से ग्रसित हैं उन सभी लोगों को राहत मिले और काम तेजी से चलें, जो हमारे संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी खोलें, संचार की व्यवस्था को रिस्टोर करें, बिजली की व्यवस्था को रिस्टोर करें, साथ में हमारा कई क्षेत्रों में सर मानकों की अगर बात करें तो बहुत। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा, कांग्रेस और सपा के नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को बसपा, कांग्रेस और सपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि जिस तरह से अलग अलग दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो जनता का भाजपा पर बने विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर बिजनौर से 4 बार विधायक रहे इंद्रदेव सिंह, संत कबीर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर तिवारी, नगीना के पूर्व विधायक सतीश कुमार और 2017 विधानसभा चुनाव में हरदोई से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेंद्र वर्मा और जालौन के पूर्व विधायक बसपा के छोटे सिंह चौहान को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिद्धार्थनगर से हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे जनसभा स्थल। दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे तक रुकेंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से हेलीकॉप्टर द्वारा वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां परियोजनाओं के लोकार्पण और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करने के बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से विमान एयर इंडिया वन से दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के वाराणसी पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अक्टूबर के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने लगा है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।